नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पिछली क्लासों में हमने आपको वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाना है ये बताए थे। उसमें हमने दशमलव के वर्गमूल को एवं दशमलव से संबंधित जो वर्ग हैं उसको कैसे हल करना है ये एक साथ एक जगह पर लाकर हमने आपको बताया, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। चलिए आज हम लोग जानेंगे अपूर्ण अपूर्ण वर्गमूल कैसे निकालना है। चलिए देखते हैं अपूर्ण वर्गमूल का एक फॉर्मूला है, उस पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। रूट अंडर पी प्लस क्यू बाय टू रूट पी। आपको हमेशा इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है, रूट अंडर पी प्लस क्यू बाय रूट टू रूट पी, टू रूट पी। तो आइए देखते हैं, किसी भी संख्या को हम लोग लेते हैं। चलिए हम लोग 29 लेते हैं। सबसे पहला हम लोग 29 का वर्गमूल निकालना है। 29 का वर्गमूल निकालना है, ये एक अपूर्ण वर्गमूल है, यानी कि अपूर्ण वर्गमूल हम लोग देख रहे हैं, अपूर्ण वर्गमूल जिसका वर्गमूल पूर्ण रूपे नहीं निकाला जा सके, या ये भी कह सकते हैं कि इसको हमको तोड़ना है। वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकले, लेकिन इसको रूट के बाहर कैसे निकालना है इसको हमको देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको करना क्या है, P और Q जो फॉर्मूला है, तो P और Q आया कहां से सबसे पहले आपको ये जानना है। P और Q आया कहां से सबसे पहले ये जानना है। आप P Q जहां पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझने के लिए आपको वो फॉर्मूला दिया गया है। इस रूट अंडर 29 में जो 29 है इसके नजदीकतम निकटतम वैसा स्क्वायर, वैसा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वैसा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी संख्या का, तो इसके नजदीक में 25 ऐसा संख्या है जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहां प्लस एवं माइनस किया जाए, प्लस एवं माइनस क्यों, क्योंकि हो सकता ऐसा भी हो कि हम यहां पर इससे निकटतम में, इससे निकटतम में इससे अगला संख्या, इससे पहले की संख्या ना होके इससे बाद की संख्या इसका निकटतम परफेक्ट स्क्वायर हो, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि चलिए यहां सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग, इसके नजदीक में क्या है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और बच गया क्या, प्लस 4। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन जो नजदीक में हो, निकटतम हो, उसी को लेना है, ठीक है। इसके नजदीक में क्या है, 36 एक ऐसा संख्या है जो जो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और माइनस में इसको 29 बनाना है, रूट के अंदर क्या करना है, 29 बनाना है। यहां 25 में 4 जोड़ के हम लोग 29 बनाए, अब यहां 36 में से हम लोग 7 घटा के 29 बनाएंगे, तो दोनों में हमको कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों में धरती भर का फर्क नहीं आएगा। पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंस आ सकता है दो डिजिट के बाद, लेकिन हमको आंसर वही प्राप्त होगा, सेम आंसर प्राप्त होगा। एग्जाम में जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वही ऑप्शंस आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे। चूंकि देखिए आपको नजदीक लीजिएगा तो ज्यादा परफेक्ट आंसर प्राप्त होगा, कितना भी डिजिट जाइए आपका आंसर ऑप्शन के अनुसार ए टू जेड मिलेगा, और इससे जाइएगा अधिक वाले से जाइएगा तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है पॉइंट दो डिजिट के बाद, तीन डिजिट के बाद, क्योंकि एग्जामिनर से जो है निकटतम को लेके ही चलते हैं, किसी एक ऑप्शन के अनुसार ही बनाएंगे ना। तो आइए अब देखिए भैया, हम तो एग्जामिनर हैं नहीं, लेकिन एग्जामिनर को भावनाओं को, एग्जामिनर का जो भावना है उसको समझकर हम आपके सामने इसको यहां परोस रहे हैं, समझ रहे हैं ना, परोस रहे हैं, बहुत चल रहा है, ठीक है। देखिए 25 4 29, अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, रूट पी, तो हमारा पी क्या हो गया, ये 25
और q हो गया ये 4, यहां पर क्या 36 p हो गया और यहां 7 हमारा q हो गया। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, रूट अंडर p तो 25 प्लस, यहां प्लस का निशान है, यहां जब प्लस का निशान हो तो यहां पर प्लस का निशान देना है, यहां पर जब माइनस का निशान हो तो माइनस का निशान लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, q यानी q क्या है, ये 4 है, 4 भागा में यहां रूट में नहीं रखना है इसको, ये स्वतंत्र छोड़ देना है, स्वतंत्र छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टू रूट पी यानी कि 2 रूट 25। तो हल करते हैं हम, 25 का 5 प्लस 4, चलिए इसको काट देते हैं, 2 और भागा 5, इसको और हल करेंगे हम तो 5 प्लस 5 नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव 0.,  तो 1 शून्य बैठ जाएगा, 5 और 20 4, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5.4। अब आइए इसे हल करते हैं, अब देखिए इसे भी हल करेंगे वही आंसर आएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसे हल कर रहे हैं, p क्या हमारा हो गया, रूट अंडर p 36 माइनस q 7 भागा में 2 और रूट p यानी कि 36। सॉल्व कीजिए, 36 का 6 माइनस 7 भागा 2 और गुना 36 का 6 बराबर 6 माइनस 6 गुना 12 को 7 से भाग देंगे, 7 को 12 से भाग देंगे, 7 भागा 12 तो क्या हो जाएगा, अगर हम 12 से 7 में भाग देते हैं तो 0.70 हो जाएगा, 12 6 72, 12 6 72। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, लग रहा है डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये माइनस होगा, इसमें माइनस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा पॉइंट के बाद, कैसे आइए देखते हैं, 12 6 72 बकाया करना, 12 6 72 तो 12 5 60, 12 5 60 होगा क्योंकि 6 से कटेगा नहीं, यहाँ 70 हुआ तो 12 6 12 5 60 बच गया 10, तो 12 8 96, इसी तरह ये चलता चला जाएगा, फिर बात किया 36 करेंगे फिर 4 आएगा, तो 2 डिजिट तक हम लोग इसको रख लेते हैं, 2 डिजिट तक रखते हैं। अब आइए 6 माइनस 0.58 यानी कि 5.42 हमारा आंसर हो गया। क्या कहता, अगर मैक्सिमम वाला लीजिएगा, अगर अगला पॉइंट लीजिएगा जो ज्यादा दूरी पर होगा, स्क्वायर जो ज्यादा दूरी पर होगा, ये क्या है 29 से 7 का डिफरेंस है और ये 29 से 4 का डिफरेंस पर है, अगर ज्यादा वाला डिफरेंस वाला लीजिएगा तो 1-2 डिजिट का पॉइंट के बाद डिजिट में डिफरेंस आ सकता है, दोनों ऑप्शन के अनुसार डिफरेंस आ सकता है, इसलिए हमेशा जो है जो कम डिफरेंस हो उसको लेके चलिए, मैक्सिमम डिफरेंस पर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें सटीक आंसर आएगा और वैसा आंसर आएगा जो कि क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके ऑप्शंस के रूप में ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, इस अनुसार भी सही होगा, इस अनुसार भी ये सही है, लेकिन लेकिन हमको जो है इसको लेके चलना है जो नजदीक का स्क्वायर मिले, जो नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर मिले किसी संख्या का, उसको लेके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं, इसका प्रैक्टिस हम तब तक आपको करवाएंगे जब तक कि आपके जहन में ये बस नहीं जाए, आपको जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए। चलिए हम लोग अगला संख्या लेते हैं, रूट अंडर 39, इसका वर्गमूल निकालना है, √39, तो इसके निकटतम में क्या है, p प्लस q में बदलना है, तो वैसा परफेक्ट स्क्वायर, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जो 39 के नजदीक में हो, तो वो संख्या क्या है हमारे पास, 36 है, अब 36 में क्या जोड़ेंगे कि 39 बन जाएगा, तो 3, क्योंकि रूट अंडर में तो हमको 39 रखना है, ये संख्या रखना है ना, ये पूरा पुराना है, इसलिए उसको उतना जोड़ देंगे जो डिफरेंस बचेगा। तो आइए फॉर्मूला क्या है, रूट पी, तो पी के स्थान पर यहां क्या है, पी के स्थान पर 36 है, प्लस पी के स्थान पर 36
प्लस क्यू बाय, तो क्यू का मान क्या है हमारे पास 3 है, उसके बाद बटा में टू रूट पी, टू रूट पी तो टू रूट 36। अब आइए 36 का 6 प्लस, इसको रूट से बाहर करेंगे तो 6 आएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 और भाग प्लस 3/2, आइए 36 को बाहर निकालेंगे रूट के तो 6, आइए इस 6 से 1 और यहां पर 2, तो 6 प्लस 1/4, 1/4 का मान क्या हो जाता है 0.25, 6 प्लस 0.25, 1/4 का मान होता है ना 25% हो गया है 0.25, तो 6.25 हमारा आंसर हो जाएगा 6.25। देखिए कहीं की कठिनाई नहीं, एकदम आसानी से बनने वाला है, एकदम आसानी से बनने वाला है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न रूट अंडर 76 इसका वर्गमूल निकालना है, 76 का वर्गमूल निकालना है, क्या होगा? तो 76 के नजदीक में वैसा कौन सा संख्या है जिसका कि जो कि पूर्ण स्क्वायर है किसी संख्या का, जो कि पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का, तो 76 के नजदीक में 81 ऐसा संख्या है जो कि 9 का पूर्ण वर्ग है, और हमको यहां पर लाना क्या है 76, संख्या क्या हमारा 76 है, तो 81 में से हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास 76 प्राप्त हो जाएगा, 76 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पर बैठाते हैं रूट पी, अब क्या है, क्या हमको बार बार लिखने की जरूरत है, रूट पी के जगह पर रूट 81 नहीं, 81 का क्या हो जाएगा 9, रूट पी का मान 9 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर पी जो है 81 है, उसको वर्गमूल से बाहर, वर्ग रूट से बाहर करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो 9 आ जाएगा। और क्या है यहां निशान, माइनस का है तो क्यों फिर ले रहा है माइनस का, क्या है क्यों, क्या है 5, माइनस का है माइनस ले लिए, और क्यू बाय उसके बाद क्या है क्यू बाय 2 इंटू रूट पी, रूट पी का मान क्या हो गया 9 हो गया। अब आइए 9 माइनस 5/18, अब सॉल्व कर दो भाई, 9 माइनस 5/18, 5 को 18 से भाग दो तो 0.18 54 हो जाता है, तो 18 गुना 36 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद 36 के बाद 14 बच गया, 140 को 18 सती 26 से, हमको दो डिजिट तक ही रखना है, दो अंकों तक ही रखना है, ज्यादा में नहीं जाना है, ऑप्शंस देख लेना है, अगर ज्यादा होगा तो फिर हम ज्यादा में जाएंगे, हमारा आंसर 2 अंक से ही निकल जाएगा। चलिए हम में से 0.27 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 8.73 हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए एग्जामिनर्स क्या कर सकता है, इसमें खेला क्या कर सकता है, ऐसा ना निकाल दे, वो ऐसा आंसर की अपेक्षा आपसे करे, 76 को आप टुकड़ों में बांट दीजिए, 76 को आप टुकड़ों में बांट दीजिए तो 2 से 38 गुना 76, फिर 2 से 19 गुना 68, एलसीएम है बचपन में इस तरह करके हल किया होगा आपने, और ना किया तो सीख लीजिए काम देगा, 2 से 38 गुना 76 और 2 से 19 गुना 38, ठीक है, ऐसे गुणनखंड में आपको मैंने बताया था कि ऐसे आप गुणनखंड कर सकते हैं, तो एलसीएम क्या है, गुणनखंड करना है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको हम बताएंगे एलसीएम कैसे निकालना है। तो चलिए यहां पर हमारे पास क्या है 2 × 2 × 19, अब क्या है इसका वर्गमूल किसका निकलता है, सेम अंक सेम संख्या दो बार हो तो उसका एक, उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाता है रूट का, उसके बाद अगर फिर दोबारा अन्य संख्या भी दो बार है तो वो भी बाहर निकलेगा, लेकिन यहां केवल दो ही दो बार है तो दो बाहर निकल गया और रूट अंडर 19 जो है अकेला बच गया, तो ये रूट के अंदर हो गया आंसर, ये ऐसा भी ऑप्शन आपके पास एग्जाम में हो सकता है, 2√19। अब जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार आंसर आ जाएगा, ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग,
और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे और क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा प्रैक्टिस करवा दें, पूरा प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। कुछ बड़ा संख्या ले लेते हैं, कुछ बड़ा संख्या ले लेते हैं हम लोग, 236 रूट अंडर 236। अब इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा क्या? अब इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, अब इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए तो इसका नजदीक में क्या है, पी हमारा क्या हो जाएगा, 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है, तो 256 के लिए इसमें 20 हो जाता है डिफरेंस, जो कि ज्यादा हो जाएगा, 20 हो जाता है डिफरेंस जो कि ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम लोग कम वाला लेंगे 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 236 पुराना है इसलिए 11 ले लिया है। अब इस फॉर्मूला पर बैठा देना है तो रूट पी का मान क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि रूट पी में रूट के अंदर 225 होगा, अब 25 को अगर रूट के बाहर लाएंगे तो 15 मान हो जाएगा, प्लस यहाँ चूंकि प्लस का निशान है इसलिए यहाँ प्लस, उसके क्यू का मान 11 भागा में 2, अब रूट पी, तो रूट पी का मान क्या आ गया 15, इसको सॉल्व कर लेंगे 15 प्लस 11 भागा 30। अब सबसे पहले इसको 3 से हम लोग सॉल्व, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिहाई 9 बच गया 2, दशमलव 3 छक 18, उसके बाद फिर बच गया 2, 3 छक 18। अब क्या है, रहने दिया जाए, 2 अंक तक के लिए खत्म हो गया, बच गया हमारे पास 10, तो 10 यहां पर 3.66 है, अब 10 से इसको भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.366, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो एक पॉइंट जो है बाई और सरक जाएगा, घसक जाएगा, आ जाएगा, तो 15 प्लस 0.366 कैसे आएगा, एक 3 से सबसे पहले 11 को भाग दिए 3.6666 आएगा, तो हम 2 डिजिट तक ले लिए, उसके बाद 10 यहां बच गया, 30 का 10 बच गया, अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे 10 बच जाएगा ना, अब 10 से इसको भाग करेंगे तो 3.66 है, तो वो 0.366 हो जाएगा, तो एक अंक और बाईं और दशमलव का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया 15 प्लस 0.366। अब क्या इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 15.366 हमारा आंसर, कहीं कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए आपको इसमें, कहीं कितना बड़ा भी प्रश्न आ जाए, कितना बड़ा भी प्रश्न आ जाए, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई कहीं कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आइए अपूर्ण वर्ग से संबंधित में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज्यादा बड़ा नहीं पूछता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा बड़ा पूछेगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, एग्जाम में तो पास करवाना है ना उसको, ऐसे फिर भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्क्वायर भी बताया है और स्क्वायर रूट भी निकालने के लिए बताया है, उससे आपको आसानी से हो जाएगा। चलिए ये 4 डिजिट का हम लोग लेते हैं, 4 डिजिट का संख्या हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तेरह सौ बयालीस। अब देखिए इसका नजदीक में जो है, हम इसको पी बाय क्यू के रूप में तोड़ेंगे अगर, तो नजदीक में क्या है, 32 का स्क्वायर 1024, 32 का स्क्वायर 1024, और 33 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करने सिखाया ना भैया, 17, बेस से क्या है हमारा 17 का 289, 217 का 200 स्क्वायर 289। अब क्या है, बेस से हमारा 17 कम है तो इसमें 17 माइनस कर देंगे तो 16 बच जाएगा, 16 बचेगा तो 16 को हम भागा दे देंगे 2 से, क्योंकि बेस हमारा 50 है और रूट बेस क्या है 100 है, तो जो कि आधा है 100 का, तो हमारा क्या 16 बच गया, तो 8 और 16 का आधा 8, अब इधर निवासी में 289 था, 2 इधर जोड़ देंगे तो 1089 होता है, 33 का स्क्वायर
तो ये भी नहीं, 33 भी नहीं होगा। 34 का 1156। सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा बात हम इतना कर रहे हैं, आपको ध्यान में आ रहा है चीज, आपको ये ध्यान दीजिए कि 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। क्यों? क्योंकि 5 वाला फॉर्मूला है लास्ट में इकाई पर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 बच गया बाद में, तो 3 से 1 आगे, तो 3 × 12 तो 1225। तो ये 1225 से क्या है, ज्यादा है, 1225 से ज्यादा है। तो 1225 के 35 के बाद क्या होता है, एक स्क्वायर आता है 36 का स्क्वायर 1296। 1296 कैसे, बेस से 14 कम, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, उसके बाद 14 इसे माइनस कर देंगे तो 22 हो गया, 22 का भागा 2 11 और 196 का 1 तो 12 हो गया 1296। अब आइए 1296 प्लस कितना जोड़ेंगे, 42 हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, तो 4 42 46 46 जोड़ेंगे तो हमारे पास 1342 आ जाएगा। इसलिए कॉमन सेंस लगाना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, क्या हो सकता है अपने आप, किसके नजदीक में ये स्क्वायर बुझा रहा है, ये किसके किस वर्ग के नजदीक में है, ये देखना है सिर्फ, और आंसर अपने आप फटाफट आ जाएगा। और मीडिएटर आप हमेशा इकाई अंक 5 वाला को रखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग 32 33 34 का नहीं समझ में आया क्या होगा क्या होगा खोजते रह जाएंगे, इसलिए 35 को 45 को 55 को 65 को, मतलब जो 5 वाला है इकाई अंक पर उसको मीडिएटर रख के खोजिए, आपको तुरंत फटाफट पता चल जाएगा, फटाफट पता चल जाएगा। चलिए 1296 का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रूट पी, रूट पी में क्या है, पी का मान 1296 रूट से बाहर करेंगे तो 36 प्लस 46 क्यू बाय, यहां प्लस है ना जी, तो प्लस का निशान, उसके फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय रूट टू पी, टू रूट पी तो 2 फिर गुना 36, रूट पी का मान 36 है, ठीक है, 23 गुना 46 अब 36 और प्लस 46, 36 से हम 23 को भागा देंगे, 36 से 23 को भाग देंगे तो 0.0, यहां 230 हो गया, 230 हो गया दशमलव लगाए तो 36 × 5 = 180, 36 × 2 = 16, 6 × 216 बच गया कितना 14 = 140, तो 36 दिया 6 × 18 3 × 9 108, तो 36 दिया 108, 36 हो गया 144 हो जाता है, 140 है वहां, तो 36 दिया 108, तो आंसर हमारा क्या हो गया 0.63 है यहाँ, तो 36.63। ये प्रैक्टिस करने का चीज है, प्रैक्टिस करने का चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्पीड बढ़ते जाए, ज्यादा समय नहीं 15 से 20 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा, पर कितना बड़ा भी क्यों नहीं पूछ दे, 50 डिजिट का पूछ देगा तो वो दिक्कत वाला बात है ना, लेकिन जब तक आपका दाया में रह के पूछेगा जैसा कि एग्जाम्स में पूछना चाहिए तो तुरंत हल हो जाएगा, तुरंत हल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्गमूल जब हम निकालेंगे, वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालेंगे तो यहां पर जितना भी डिजिट है, जितना भी डिजिट होगा 1 2 3 इसके अंदर जो भी संख्या है उसके अंदर, जैसे यहां पर 5 अंक है, ये संख्या 5 अंकों का संख्या है, तो जो हमारा स्क्वायर रूट में जो अंकों अंक रहेगा, जो स्क्वायर रूट निकालने का जो परिणाम आएगा उसमें अंकों की जो संख्या होगा वो हमेशा, यहां पर अगर 5 है तो 5 + 1/2 यानी कि 3 डिजिट में होगा, यानी कि 3 डिजिट में, यदि विषम अंक संख्या में रहेगा, विषम स्थान में रहेगा यह संख्या 1 2 3 4 5 विषम अंक है यहां पर, ये जो संख्या विषम अंकों में है, विषम अंकों में है, 5 अंकों में है, तो 5 + 1/2 यानी 3 अंक में इसका परिणाम आएगा। और वही अगर यहां पर ये संख्या जो है सम स्थानों में हो, सम अंकों में हो, तो फिर जो परिणाम है वो परिणाम जो है वो 4/2
यानी कि दो डिजिट में होगा, यानी सम अंकों में हो, सम स्थाने सम स्थानों में हो तो भागा दो, परिणाम हमारा दो डिजिट में होगा, यानी कि भागा दो डिजिट में होगा, भागा दो यानी चार डिजिट में है उसको भागा दो कर दिए दो डिजिट हो गया, अगर आठ डिजिट है तो भागा दो चार डिजिट में हो गया, अगर छह डिजिट में है भागा दो तीन डिजिट में हो गया। वही अगर विषम स्थान में है, वही विषम स्थान में है तो जितना स्थान है पांच है तो पांच प्लस एक भागा दो, अगर सात है सात प्लस एक भागा दो, नौ है तो नौ प्लस एक भागा दो, यानी कि ऐसे उसके अंक आएंगे। अगर यहां पर जैसे पांच है तो पांच प्लस एक भागा दो, यानी कि छह भागा दो तीन अंक, यानी इसका जो परिणाम आएगा वो तीन अंकों का होगा, तीन अंकों का। और यही अगर सम स्थान है तो डायरेक्ट भागा दो कर दिए, जितना स्थान में है उसका भागा दो, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि सम स्थान में आधा अंक में हो जाएगा, आधा स्थान में हो जाएगा, और विषम स्थानों में प्लस वन कर देंगे उसका आधा निकालेंगे, उतने अंकों में आंसर होगा, उतने अंकों में आंसर होगा। यहां पांच था तो पांच प्लस एक दो, छह अंकों में यानी कि तीन अंकों में इसका आंसर होगा। यहां पर क्या है, चार स्थान तक है तो चार भागा दो, क्योंकि ये सम स्थानों में है, चार भागा दो डायरेक्ट भागा दो, दो स्थानों में हो गया। अगर छह रहता तो छह भागा दो आधा कर दीजिए, तीन स्थानों में आंसर होता, तीन अंकों में आंसर होता। चलिए, आप सभी प्यारे मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप धैर्य बनाए रखें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको हमारे द्वारा मिलेंगे, आपको आपसे धैर्य बना के रखे रहें, और मैथ्स में आपको हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगा, हमेशा सफलता प्राप्त होगा, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।